सिर्फ भड़के हैं मोदी सरकार की, या वाकई हम अलर्ट रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है भारत की तरफ से, कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट, कोई नेक्स्ट मूव हो सकती है? तो मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा नगरोटा में अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए थे जो कि पाकिस्तान की ओर से आए थे, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया था, पाकिस्तान का नाम लेकर मेंशन करकर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ट्वीट किया गया था मोदी जी के द्वारा। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। आपको पता होगा जो आतंकवादी मारे गए थे उनके पास से कितने सारे हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ था, जो कि शायद इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत सक्सेसफुल मिशन हुआ था, नहीं तो ये कोई बहुत बड़ा हमला कर सकते थे। तो पाकिस्तानी मीडिया उसी बात को लेकर डिस्कस कर रहा है और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है LOC में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फोर्स रहती है तो उन्होंने बॉर्डर कैसे क्रॉस की, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। जरियाब, मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और ये वाकई ये उनकी तरफ से ग्राउंड सेट किया जा रहा है बहुत से आगे आने वाली चीजों के लिए। जैसे कि आपको याद है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना एक बहुत पुराना वतीरा है भारत का। जब भी उनको कोई सियासी तौर पर या अपनी पब्लिक की नजरों में बहुत हीरो बनना होता है तो इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो अपने लोगों को मारते हैं और ये फौरी तौर पर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। हमेशा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि एक इस किस्म का बहुत मतलब अफसोसनाक किस्म का एक वाकया या तो पाकिस्तान में हो गया है या फिर हमने उसको फॉइल कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत घटिया कोशिश की गई है। 26/11 से शुरू करते हैं, 26/11 के बाद आपने देखा यहाँ पर भी हमारे होटल को निशाना बनाया गया, बहुत कैजुअलिटीज हुई, फौरी तौर पर ये हमने एक फौरी वाकया देखा था। पठानकोट की मिसाल ले लें कि उन्होंने कहा जी पठानकोट हुआ है और वो पाकिस्तान पे फौरी तौर पर उसका नाम डाला, उड़ी उन्होंने करने की, एक वो कर तो खैर क्या पाए हैं, वो तो एक मजाक ही बन के रह गया और फिल्में बनने लगी हैं उस पर, लेकिन ये कि उनकी तरफ से तो आप समझें कि ये कोशिश पूरी उनकी तरफ से की गई, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि पाकिस्तान में किसी किस्म की खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद अभी आप देख लें पुलवामा कितना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौरी तौर पर पाकिस्तान पे उसका नाम डाला गया। उसके बाद जी उन्होंने क्या किया, बेशक उन्होंने यहाँ बालाकोट में आके वो कुछ भी नहीं कर पाए, एक फजूल किस्म का उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है, वो क्लेम उनके अपने जो एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स उन्होंने वो क्लेम को झुटला दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारे हाथ ऐसी कोई कामयाबी नहीं लगी वगैरह वगैरह, अभिनंदन हमने पकड़ा, लेकिन उनकी तरफ से तो कोशिश की गई। बात यह है कि इसी किस्म की चीज या तो वो ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ड्रामा ना हो और किसी तरह अगर वो अपनी इन नापाक साजिशों में कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो सख्त अलर्ट रहना चाहिए वाकई। और एक और इसका जो एक पहलू है वो ये है कि अभी उनके साइड के जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर इंतखाबात भी करवा रहे हैं वो लोग, तो उन इंतखाबात में ये चाहते हैं कि बीजेपी को बहुत कोई भारी अक्सरियत मिले। आपको पता है वो एक नाम के और मजाक होगा इंतखाब के नाम पर वो और डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन फिर भी वहां पर भी वो एक ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये वो रीजन भी एप्लीकेबल है यहाँ पे जो पुलवामा। चलिए मैं आपका पॉइंट लेती हूँ कि वो वहां पर भी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जरा उनकी बूम पर है, शायद उसका भी वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे। देखिए सब नरेंद्र मोदी के पास आज तक सिर्फ एक ही ट्रंप कार्ड रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का बयानिया मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। जरिया बिल्कुल आप देख लें कि इंडिया में आप पाकिस्तान मुखालिफ सेंटीमेंट्स को बेच के तो उसको बड़ी अच्छी तरह कैश कर लेते हैं, बेशक वो सियासी मैदान हो या बॉलीवुड की मूवीज़ हो। जिस बॉलीवुड की मूवी पाकिस्तान के खिलाफ बनती है वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है, तो इन्हीं सेंटीमेंट्स को जो है वो मोदी साहब कैश कराना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो एक शाइनिंग इंडिया का इमेज जा रहा था और मोदी साहब बड़ी ऊँची परवास कर रहे थे, उनके पर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काटे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनका नाज़ीज़्म और हिंदुत्व का जो उनका करेक्टर था वो जब सामने लाए हैं तो ये वही मोदी है जो दिन की रोशनी में तो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहा होता है लेकिन रात के अंधेरे में, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि रात के अंधेरे में ये मैसेजेस भिजवा रहा होता है कि उन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहें कि जरा हमारे पे हाथ हौला रखें। तो हमारी हुकूमत ने उनको बिल्कुल बहुत सही तरीके से काउंटर किया गया, बिल्कुल सी पैक जो है वो इनको एक आंख नहीं पा रहा, इनके आंख में एक कांटा है। और इन्होंने कोशिश की थी लद्दाख में इस तरह की हरकत करने की और उन्होंने चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये वो अपनी जमीन से भी गए
और जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इनकी गंदी नजरें थी वो भी इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर हो गई हैं। तो बात ये करते हैं कि चार जैश मोहम्मद के लोग बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए, इन्होंने आज तक किसी चीज़ का सबूत पेश नहीं किया। ये इनको जो अगर आप बॉर्डर्स जाके विटनेस करें उन बॉर्डर्स में से, तो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो ये कहाँ से लोग जो है इतना बड़ा बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, ये तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है। जबकि हमारे पास एक जीता जाता जागता दहशतगर्द कुलभूषण सबूत के तौर पे मौजूद है, जिसने खुद कहा कि मैं दहशतगर्द कार्रवाइयां बलूचिस्तान में रॉ के कहने पे करता था और इनका हाजिर सर्विस ऑफिसर था, और हमने दुनिया के सामने जो है वो सबूत पेश किया। और पिछले दिनों जो DGISPR और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने डोजियर पेश किया है उसमें इंडिया की जो हरकतें हैं वो सामने दुनिया के लेके आए, लेकिन दुनिया की आंखें नहीं खुलती, दुनिया को जो है वो कश्मीर का लॉकडाउन नजर नहीं आता, इंडिया की जो एट्रोसिटीज है, जो अकलियतों के साथ इंडिया के अंदर सलूक हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आता। पाकिस्तान में अगर कोई छोटी सी भी बात होती है तो उसको मतलब बात कर रहे हैं कि भारत की गीदड़ भभकी है, इसके अलावा इन तिलों में तेल नहीं है। ज़हरा खान साहब भी सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया था कि जो कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके चार दहशतगर्द जा रहे थे, सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 से 4 सिक्योरिटी लेयर्स हैं, एक बहुत लंबा फासला है जिसको क्रॉस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ज़रा इस तस्वीर का ज़रा दूसरा रुख भी आप देखिए। आपको पता है इस वक्त जिस वक्त हम ये बातें कर रहे हैं तो कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर के हज़ारों गुज्जर, हज़ारों खाना बदोश चरवाहे जो तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, यहाँ पर पाकिस्तानी वीडियो होता है ख़त्म। अब यहाँ से बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया ने कमेंट किए हैं। तो पहला इन्होंने कमेंट किया है कि इंडियन आर्मी LOC पर इतनी ज़्यादा तादाद पर एक्टिव रहती है तो बॉर्डर से टेररिस्ट आ कैसे जाते हैं? तो शायद इनको पता नहीं होगा कश्मीर वैली कोई मैदानी इलाका नहीं है, ऐसा 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 बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा इलाका है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, और आपको पता है बर्फ़ गिर रही है, तो हर जगह तो इंडियन आर्मी के जवान खड़े हो नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली टेररिस्ट को कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती होगी यहाँ से वहाँ आने में, और तार फेंसिंग को काटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पाकिस्तानी जो फौजी हैं, ये फौजी होकर इस तरीके की बातें करते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है कि पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं। और पाकिस्तानी तो आपको पता है घुसने में कितने माहिर हैं, इन्होंने 70 साल में केवल नीचे से पीछे से घुसना ही सीखा है और कुछ तो सीखा नहीं है, सामने से ये वॉर तो जीत नहीं सकते और यही बात कर रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो एज़ यूजल ये तो हमेशा से करते ही आ रहे हैं, तो इस पर क्या बात करनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट टाइम ट्वीट किया है पाकिस्तान का नाम लेकर, मेंशन कर, तो ये शायद बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी इसको लेकर डरे हुए हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शायद भारत कोई फिर से बड़ा एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, बालाकोट एयर स्ट्राइक या उड़ी के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, हालांकि उसे पाकिस्तान हमेशा कहता है कि पाकिस्तान आर्मी वाले जो आपको पता है बोलते रहते हैं कि ये पेड़ के ऊपर बम गिरा के गए, यहाँ पे ये मार के गए, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन ये डरे हुए हैं, डेफिनेटली डरे हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ हुआ था, लेकिन ये लोग सच बताना नहीं चाहते। ये लोग अभी भी सोचते हैं कि भारत के हमने 2 पायलट पकड़े थे, इनके जो DGISPR थे उन्होंने कमेंट किया था हमारे पास भारत के 2 पायलट कब्जे में, हालांकि 6 घंटे बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास 1 ही है। मतलब इस तरीके के इनके आप समझ सकते हैं, आर्मी के पर्सन बात करते हैं तो इनकी आप सोच सकते हैं कि कितना इनका सोर्स स्ट्रांग है, कितना इनका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली टेररिस्ट पाकिस्तान घुसड़ने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं, इसमें हमारे भी जवान शहीद होते हैं क्योंकि इनके टेररिस्ट आते हैं, आपको पता है ये जंग लड़ते हैं जिहाद के नाम पर, जिहाद का मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है सब कुछ, तो वही सपना देख कर ये घुसते हैं और मर रहे हैं बहुत जम के। आपको पता है लास्ट टाइम जो अभी नगरोटा में जो उनके पास से हथियार पकड़े गए थे उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, और ये डेफिनेटली ये 26/11 के पहले वैसा ही कुछ होता तो बहुत ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ जाती, उसी को फेल कर दिया इंडियन आर्मी ने, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बड़ा कर सकते